कैसे हो आप सब। तो लखनऊ वर्सेस पंजाब, दोनों ही टीमें आईपीएल में अभी तक अच्छा नहीं कर पाई है। लखनऊ अभी 10वें नंबर पे है और पंजाब की टीम 5वें नंबर पे है। लखनऊ को राजस्थान ने बहुत ही आसानी से हराया था और आरसीबी ने पंजाब को बहुत ही आसानी से हराया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों ही टीमों का कहाँ मुकाबला हो रहा है और भी काफ़ी कुछ आपको यह जानने को मिलेगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको तमाम अपडेट मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूँ कि लखनऊ और पंजाब के बीच में ये मुकाबला आपका भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है वहाँ खेला जाने वाला है। तो भाई इस आईपीएल में अभी तक मिथ था कि होम ग्राउंड पर कोई भी टीम नहीं हारी थी, वो टूट गया। आरसीबी को केकेआर ने वन साइडेडली हरा दिया और लखनऊ का जो रिकॉर्ड है ना अपने घर पे इतना अच्छा नहीं है और पंजाब ने एकाना स्टेडियम में लखनऊ को हरा रखा है। तो यहाँ पे पंजाब फेवरेट मानी जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको, अगर आप हेड टू हेड नजर डालेंगे ना, तीन मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में हुए जिसमें से दो बार लखनऊ जीती है और एक बार पंजाब जीती है। अगर आप एकाना स्टेडियम में रिकॉर्ड देखोगे ना लखनऊ की टीम का कैसा है, यहाँ पे इन्होंने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं और 3 हारे हैं। और यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती है और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 1 मुकाबला जीती है। यानी कि यहाँ की जो पिच है ना बहुत ही स्लो मानी जाती है और जो भी टीम सेकेंड इनिंग बल्लेबाजी करने आएगी अगर उसके सामने 150 या 160 से ऊपर का टारगेट लग गया तो भाई उनके बस की चेस करना नहीं रहने वाला है यहाँ पर। उसके पीछे की वजह यहाँ की जो पिच है वो स्लो होती जाएगी और आपको यहाँ पर बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। 6 हिटिंग यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है और पिच की जो स्पीड है वो भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। कई बार आप देखोगे कि बॉल को टाइम अच्छा किया बट वो फिर भी बाउंड्री पर नहीं जाएगी और बॉल रुक कर भी आती हुई दिख सकती है जो कि आपकी बैटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम ला सकती है। दोस्तों अब नज़र डालते हैं दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और मैं प्रिडिक्शन दूंगा कि यहाँ पे कौन से सबसे अच्छे प्लेयर हो सकते हैं और कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो इसमें इनकी तरफ से जो ओपनिंग करने वाले हैं वो केएल राहुल और क्विंटन डेकॉक, देन आपको देवदत्त पाडिकल, देन दीपक हुडा, निकोलस पूरन, मार्कस टोनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलहक और मोहसिन खान। और यहाँ पे आयुष बदोनी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर या सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं ये। अब बात करते हैं हम पंजाब किंग्स की। थी पंजाब किंग्स में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो इनकी तरफ से आपके शिखर धवन ओपनिंग करेंगे यहाँ पे जॉनी बेस्टो के साथ, देन सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, हरप्रीत बराद, हर्षल पटेल, ककीसोर अबाड़ा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह। और यहाँ पे ये प्रभ सिमरन सिंह को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं किसी भी बॉलर से जब ये आपके चेस करने आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों टीमों के बता दिए। अब बात करते हैं कि पंजाब की टीम की तरफ से सबसे अच्छा कौन कर सकता है, तो भी पंजाब की टीम की तरफ से जो है तो आपको यहाँ पे सैम करन अच्छा करते हुए देख सकते हैं क्योंकि उनका रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा है और पंजाब की बागडोली वही संभाल रहे हैं। इस पिच पर वही बल्लेबाज चलेगा जो कि पेशेंस दिखाएगा। पंजाब के अगर गेंदबाजी में बात करोगे तो हरप्रीत बरार यहाँ पे एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। देन लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो केएल राहुल एक पिक कर लीजिएगा, टीम हारे जीते बट केएल राहुल आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे यहाँ पे। देन अगर गेंदबाजी में आप देखोगे तो मेरी चॉइस होगी रवि बिश्नोई होगी, वो आपको खाली हाथों नहीं जाने देंगे, पॉइंट्स काफ़ी अच्छे देंगे आपको वो। देन अब हम बात करते हैं कि इस मुकाबले को टीम जीत कौन सी रही है, तो भाई जो मिथ है ना वो टूट गया बट यहाँ पे फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स को इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया जा रहा है। तो वापसी करेगी लखनऊ की टीम, आप बताइए इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत रही है आपके हिसाब से और कौन सा खिलाड़ी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है। अगर वीडियो आई हो पसंद तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।